कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहां कुछ शिकारियों ने घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था, और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात के समय अपने दादा की वीडियोस देखकर एल्मा का दिल भर आया। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई थी, और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उस रात शेर के बच्चे वाला प्लेन बेहद खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था तो उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान वहां आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और उसके लिए स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग निकली। फिर वो तैरकर आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वो एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वो सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा। एल्मा भी उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में तीन प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने ये भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहाँ जरूर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच गए। वो जानती थी कि जू वाले कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई, क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो के एक ऑडिशन के लिए गई थी, तो पीछे से वो भेड़िए के पार्क वाले आइलैंड पर घुस गए। इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए। उधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बेहद खुश थी। लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो तो वहाँ थी ही नहीं। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आए और खूंखार जानवरों को अब तक वहाँ देखकर गुस्से से भर गए। उसने एल्मा से उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने को कहा, लेकिन एल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे, और फिर जू में न जाने इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। आखिरकार अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले से लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था, और बदले में जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। देखते ही देखते एक साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी कश्ती में आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा, वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश भी हो गई। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और वापस कश्ती में चली गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल की,
थी, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूर इन जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते देखा तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट न दी होती तो शायद वो आज जिंदा न होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर ईलाई और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रैफा बहुत नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस में कर्तव्य करने के लिए मजबूर किया जाता। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड पर गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर काफी बुरा असर डाला, इसलिए राफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने जाया करता। उधर हॉस्पिटल में एल्मा ने होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया था। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर की हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्द ही स्टार लॉयन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहद समझदार है और वो जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। जल्द ही जैक उस तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेले। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे रैफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक ना सुनी। हार कर रैफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ ही हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर में एक ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूटेड साइट के ऑर्डर्स दे दिए। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए जहां एलन और रफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक तो उसी वक्त बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रैफा ने तुरंत जैक का ट्रैकर हटाकर उसे एक दवाई दे दी जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे और एली और एल्मा भी एक ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रैफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया जहां आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का एक यही रास्ता था, लेकिन वहां कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर ही जाना होगा। जैक तो उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंच कर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देख कर सभी खुशी से झूम उठे।
आखिर आलमा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में आलमा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों के दिल भर आए और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। तो तुम्हारा फेवरेट जंगली जानवर कौन सा है और क्या तुम उसे पालना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।